सो तो गाइस वेलकम बैक हो गया आपका एक और ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि यार देखो मैंने अभी क्या पहन रखा है, ये एलाइट्रा। तो भाई कुछ दिनों से मतलब जब से मेरे पे ये एलाइट्रा आया है ना, तो मैं एलाइट्रा मेन उड़ाने के लिए ये चाहिए होती है फायरवर्क्स। तो जैसे कि सबको पता ही है यार कि फायरवर्क्स तो चाहिए ही होते हैं। भाई मैं मतलब तब से है ना, चाहे मेरे को भाई इधर से उधर जाना पड़ रहा हो, मतलब जैसे यहाँ है, यहाँ से मेरे को उधर भी जाना होगा ना, तो मैं एलाइट्रा का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि भाई चल चल के भाई बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं सोच रहा था यार देखो कि ये फायरवर्क्स तो हम पे बनाने के लिए ना सामान तो है, बट उतना नहीं है। जैसे इसको पहले जो ये जो फायरवर्क्स है इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, तो लेट्स सी फायरवर्क्स, इसके लिए चाहिए हमें पेपर और गन पाउडर। भाई देखो गन पाउडर बनाने के लिए तो यार ज़्यादा कुछ नहीं, गन पाउडर तो यार देखो अपने क्रीपर फार्म से बहुत सारा मिल जाता है। लेट्स सी, मैं अभी बहुत देर से खेल रहा हूँ तो देखते हैं यार अभी तक कितना गन पाउडर हुआ होगा। मैंने 3-4 स्टैक तो निकाल लिए थे इससे कुछ पहले ही, ये रॉकेट्स बनाने के लिए, और तब से मैं बहुत बड़ा उड़ चुका हूँ। ओके भाई हमारे पास गन पाउडर की तो कमी है नहीं भाई, गन पाउडर तो यहाँ पे मतलब अनलिमिटेड मान लो, बहुत आता ही जाएगा आता ही जाएगा। बट गाइस जैसे कि मतलब जो लोग हमारा ये जो सर्वाइवल सीरीज है उसको अगर फर्स्ट एपिसोड से अगर फॉलो करते आ रहे होंगे, तो उनको पता होगा कि ये जो नेदर पोर्टल देख रहे हो इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में, मतलब मेरे बिल्कुल जस्ट पीछे ही जो हमारा शुगर कैन फार्म था वो बन रखा था। तो अब धीरे धीरे कुछ चेंजेस के बाद हमारा वर्ल्ड कुछ अच्छा लगने लगा है, मतलब मेरे को बहुत से चेंजेस करने पड़े। जैसे कि अभी देख ही रहे होगे कि यहाँ पे भी एक स्टेयर्स थी जो कि नेदर पोर्टल के साइड थी थोड़ा सा ऊपर, मैंने इसको भी पूरा का पूरा क्लियर कर दिया, क्योंकि भाई इन फ्यूचर हम यहाँ पे बहुत सारे बिल्ड्स बनाने वाले हैं। तो या गाइस मतलब यहाँ पे हमारा अब शुगर केन फार्म हमारे पे एक भी नहीं है, तो मैंने उन शुगर केन फार्म को कुछ मतलब तोड़ ताड़ के मतलब एक चेस्ट में रखा हुआ है, और कुछ को मैंने फार्म भाई यहाँ पे सामने कर रखा है। अब देखो हमें चाहिए यार एक मतलब तगड़ा वाला शुगर केन फार्म, कि ये नहीं कि भाई हम जब जब यहाँ आए तो यहीं पर आके इनको बस तोड़ें यहाँ पर, मतलब ये मैनुअली मतलब कुछ बढ़िया नहीं है शुगर केन वाला, मतलब कि हम बनाने वाले हैं जायंट शुगर केन फार्म, वो भी ऑटोमेटिक वाला। तो गाइस वो फार्म बनाने के लिए मेरे पास जितना भी सामान होना चाहिए था मैं यहाँ पे कलेक्ट कर चुका हूँ। और ये देखो भाई सल्कर बॉक्सेस में यहाँ पे चेस्ट में ये अलग अलग कलर में अलग अलग सामान है, जैसे इस वाले में देखो पूरे के पूरे ग्लासेस है, क्योंकि भाई हम बहुत बड़ा बनाने जा रहे हैं और उसको बहुत अलग टाइप से बनाएंगे, तो उसके लिए बहुत सारे ग्लासेस चाहिए होंगे। तो यहाँ पे है, और यहाँ पे उसको बनाने का सामान है, और यहाँ पे कुछ ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, सारे के सारे नहीं, तो हम सबसे पहले ये ले लेते हैं। और हमें चाहिए होंगे शुरू शुरू में थोड़े से, एक तो वाटर और थोड़े से ये और ये, और ये भी चाहिए। गाइस जो हमारा शुगर केन फार्म है उसको मैं सोच रहा था कि इस साइड बनाते हैं थोड़ा सा, मतलब ये जो जितने भी हमारे फार्म है अगर ध्यान से देखोगे हमारे क्रीपर फार्म जो कि है गन पाउडर वाला वो यहाँ पे है, आयरन फार्म हमारा यहीं पर ही है। तो मैं सोच रहा था कि जो हमारा शुगर केन फार्म है उसको यहाँ पे बनाते हैं, पूरी एक लाइन सा हो जाएगा, पूरा एक बढ़िया सा लगेगा और मतलब अच्छा ही लगेगा। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे हम एक 5 की वो काटेंगे, एक 1 2 3 4 5 भाई यार कितना तेज है, 3 4 5 ठीक है ये हो चुका है। और यहाँ पे अब आएगी हमारे चेस्टें, तो इसके नीचे बस एक और हमें एक और काटना है। अबे भाई यार इतना तेज नहीं, रुक जाओ। ओके तो गाइस मैंने जितना भी वो फार्म बनाया था भाई वो बिल्कुल गलत था, मतलब मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो मैंने उसको पूरा का पूरा हटा दिया। और अब मैं उसको बस सही से बनाने वाला हूँ। पहले तो यहाँ पे एक चेस्ट आएगी, सॉरी इसका फेस हो जाएगा, उसका फेस होएगा उस साइड यहाँ पे, और इसके पीछे आएंगे भाई होपर्स, होपर्स ये रहे, और इसको मैं लगाऊंगा यहाँ पे, और एक लगेगा यहाँ, और एक यहाँ, एक यहाँ, इसी साइड पे भी सेम टू सेम ऐसे। और यहाँ पे मेरे को लगा देने हैं ये ब्लॉक्स इस साइड, और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से फिल कर देता हूँ, इसको भी यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। और यहाँ पे आएंगे भाई वाटर, जो कि एक ये रहा, दो सेकेंड, अच्छा एक ये रहा, और इसके भाई यहाँ पे भी एक और लगाना पड़ेगा शायद, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा। और इसके मेरे को यहाँ पे, अब यहाँ पे इसके लगाना होगा
एक शुगर केन, ठीक है। अब इन शुगर केन के पीछे मेरे को चाहिए होंगे ये ब्लॉक्स, ठीक है लग चुका है, ये ब्लॉक्स चाहिए। और मेरे को यहाँ पे चाहिए होगा अब पिस्टन, ठीक है। वह भाई तू क्यों टूट रहा है, चले गया हॉपर में चले गया वो, कोई नहीं। चलो यहाँ पे अब लगेगा पिस्टन, 1 2 3 4 5 इनके साइड भी, अब यहाँ पीछे पे लगेंगे ये। ओके ओके, अब जो ब्लॉक है वो लगेंगे अब यहाँ पे इनके पीछे यहाँ पे। अब मेरे को ऊपर चढ़ने के लिए एक ब्लॉक यहाँ लगाना है, और अब मेरे को रेडस्टोन लगाने हैं यहाँ पे। ओके, अब फाइनली मतलब अब तो बिल्कुल सही चलना चाहिए, ठीक है। अब मैंने सब कुछ ठीक कर रखा है, तो अब बिल्कुल सही चलने चाहिए। ओके फाइनली भाई, अपना ये जो पहला मतलब जो है। ओके तो गाइस, हमारा ये जो सबसे पहला वाला है, ये वाला जो फार्म है, मतलब ये जो है। अरे कहना क्या चाहते हो। ओके तो गाइस, हमारा जो एक स्टेप है यहाँ पे शुगर केन फार्म का, यहाँ पे बन चुका है। और सेम टू सेम मेरे को एक इस साइड और एक इस साइड और एक इस साइड, मतलब ये जो सामने दिख रहा है ना, ये यहाँ पे एक चारों साइड बनेगी, मतलब 1 2 3 और ये यहाँ पे 4। तो यहाँ पे चारों के चारों साइड मैं अभी बना के मिलता हूँ बस। ओके तो गाइस, मैंने यहाँ पे इसका ये सेम टू सेम दूसरा यहाँ पे बना दिया है, इसको देख लेते हैं चल रहा है। ओके चल रहा है, और अब बस मेरे को इसके नीचे हॉपर लगाने हैं। और सेम टू सेम जैसा यहाँ पे मैकेनिज्म है, मतलब सेम टू सेम यहाँ पे भी कर देता हूँ मैं। ओके तो यहाँ पे मैंने ये हॉपर्स के सारे काम कर दिए हैं, यहाँ पे ये इस वाले चेस्ट में आ जाएगा इसका। और यहाँ पे मैं एक सोच रहा था, यहाँ पे इसको एक पूरा का पूरा स्क्वायर टाइप यहाँ पे बना ही देते हैं यार, क्योंकि यहाँ पे अगर ये पूरा का पूरा एक यहाँ पे और सेम टू सेम यहाँ पे भी आएगा, तो अभी से ही इसको तोड़ लेता हूँ और देख लेता हूँ भाई ये कितना यहाँ पे जगह घेरेगा। तो गाइस, मैंने यहाँ पे ये दो सिस्टम बना दिए हैं शुगर केन फार्म के, और यहाँ पे एक बॉक्स सा मतलब यहाँ पे स्क्वायर टाइप होल बना दिया है, यहाँ पे कि इसका शुगर केन इस चेस्ट में आएगा और इस मतलब यहाँ का शुगर केन इस चेस्ट में आएगा। अब सेम टू सेम बस मेरे को यहाँ पे एक इस साइड और एक इस साइड बनाना है। फाइनली गाइस, यहाँ पे चारों के चारों यहाँ पे जो शुगर केन के फार्म के सेटअप है वो यहाँ पे हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से यहाँ पे ग्लासेस लगाए, मैं देख रहा था कि सही लगे हैं, तो जी हाँ मतलब हाँ ये सही लगेंगे भाई, क्योंकि सही इनको लगाया है। तो यहाँ पे जल्दी से फटाफट यहाँ पे इन सब में भी लगा देते हैं, इनके पीछे पीछे और यहाँ पे ये इस साइड, ये यहाँ पे शुगर केन थोड़े से ना, जब ये पिस्टन इनको धक्का देता है तो ये बाहर की साइड ना चल जाए, ये हॉपर में गिरे, तो ये इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे बस इनको थोड़ी सी हाइट दे देते हैं और इनको फिल करते रहते हैं भाई, इसलिए मैं ग्लासेस को बहुत ज़्यादा मतलब बना रखा है, पूरे स्टैक के स्टैक मतलब बहुत ज़्यादा भर रखे हैं, क्योंकि भाई ग्लास की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके तो चलो गाइस, यहाँ पे चारों के चारों यहाँ पे जो हमारे शुगर केन के फार्म के सेटअप है वो यहाँ पे बन चुके हैं। अब बस मेरे को इन्हीं को और ऊपर उठाना है, मतलब यहाँ पे जैसे पहला है, मान लो एक लेवल की तरह मान लो, तो यहाँ पे ये एक पहला लेवल है और यहाँ पे दूसरा, फिर उसके ऊपर तीसरा, फिर उसके ऊपर चौथा, फिर पाँचवा। वैसे जैसे अगर ये 5 लेवल का होगा तो ये चारों के मतलब ये तीनों के तीनों भी 5 लेवल के होंगे, तो भाई सोचो इनसे कितना सारा शुगर केन मिलने वाला है। तो भाई इसको बनाने में भी बहुत मज़ा आने वाला है और भाई टाइम भी बहुत लगने वाला है। तो बस मैं पहले एक मतलब इन चारों के चारों को एक एक लेवल एक ही उठा के देख लेता हूँ और मिलता हूँ भाई। तो यहाँ पे पहले मैं सोच रहा हूँ यार, इस वाले मतलब इस साइड से एक लेवल ऊपर करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को इस साइड पे ये डर्ट लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सेम टू सेम जैसे इसी के जस्ट नीचे शुगर केन है, तो मेरे को यहाँ पे भी शुगर केन लगानी पड़ेगी। और जैसे सबको पता भाई, बिना पानी के तो ये शुगर केन लगेंगे नहीं, तो यहाँ पे जस्ट मेरे को नीचे, और भाई मेरे को ये चीज़ ध्यान में रखने की, ये जो नीचे रेड स्टोन है ना भाई, ये ना निकल जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी ग्लासेस लगा दिए हैं, और यहाँ पे एक और यहाँ पे एक पानी डाल के, और अब ये यहाँ पे उग जाएंगे। तो अब मेरे को यहाँ पे लगा देने हैं इनके ऊपर ये ब्लॉक, यहाँ से शुगर केन अगर उगाएंगे तो यहाँ से नीचे गिरना चाहिए, ठीक है भाई लेट्स गो। और ये काम कर रहा है, और जैसे भी अगर जैसे नीचे का उगेगा तो वो भी टूटेगा, यहाँ का उगेगा तो यहाँ के टूट के नीचे जाएगा। बस मेरे को यहाँ पे ग्लास को बस बिल्कुल ही सेम टू सेम ऊपर करना है, तो यहाँ पे लेट्स गो। बस मैं यहाँ पे चारों के चारों को दूसरा लेवल सेम टू सेम जैसे इसका करा वैसे करके मिलता हूँ।
ओके तो गाइस चारों के साइड के दो दो लेवल मैंने उठा दिए हैं और सब के सब बिल्कुल एक नंबर, मतलब बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। और भाई साहब अभी मेरा इतना मन कर रहा है ना, मतलब नीचे जाके मैं चेक करूँ कि उन चेस्ट में सामान आए होंगे, क्योंकि भाई मैं जितनी बार मतलब ये बना रहा था ना, तो कई बार नीचे वाली मशीन्स भी चल चुकी हैं, जैसे कि वो देख रहे हो कि वो अभी शुगर केन थोड़ा सा उग चुका है और वो अभी बस थोड़ा सा तीन और होते ही वो दोबारा टूट जाएगा। तो भाई मतलब ये फार्म अभी से काम करने लग चुका है, अब बस मेरे को देखते हैं भाई जितना मैं सोच रहा हूँ कि भाई जितना उठ सकता है ना उतना उठा देता हूँ, क्योंकि भाई जितना उठ जाएगा, जितना और ऊपर उठते जाएगा ये और ज़्यादा शुगर केन मिलते जाएंगे। तो चलो गाइस जितने भी उठते हैं मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम 5 या 6 लेवल ये उठ जाए, तो लेट्स गो उन सबको मतलब इन सब चारों के चारों साइड को मतलब लेवल अप करने के बाद मिलते हैं भाई, क्योंकि भाई यार इतना मेहनत लग गया ना, इतना भाई बहुत टाइम लगता है यार। एक तो ये थोड़ा सा दिमाग ख़राब भी कर देता है कि पानी कहाँ पे लगाना है, ये ऑब्जर्वर कहाँ से, ऐसे ये बस आसान है, बस इसको थोड़ा सा ये जायंट बनाने में थोड़ा सा दिमाग लगता है, बाकी और कुछ भी नहीं है भाई। चलो भाई 2 सेकंड में मिलता, मतलब 2 मिनट में मिलता हूँ और इसको और ऊपर बनाने के बाद। ओके तो फाइनली गाइस हमारा जो शुगर केन फार्म है फाइनली बन के रेडी हो चुका है, और भाई ये देखो भाई 1 2 3 4 5 भाई 5 लेवल का, मतलब 5 फ्लोर मान लो, 5 फ्लोर का ये पूरा शुगर केन फार्म है। और भाई मेरे को यार अगर नीचे जाके देखने के अभी कितने हुए हैं, तो अगर नीचे चलते हैं और ये देखो भाई अभी भी चला देगा कहीं ना कहीं से तो चला है, और वेट इसको कहीं से बाहर से तोड़ दूंगा। ये क्या है भाई यहाँ पे भी बहुत थोड़े बहुत फंस रहे, बाकी देखते हैं भाई चेस्ट में कितने आए हैं अभी, इसमें 27, इसमें 25, इसमें 24 और इसमें 22। भाई ये कम से कम भाई उससे तो ज़्यादा ही है, एक स्टैक से तो ज़्यादा ही है भाई, अभी जस्ट में मतलब अभी आया था। और भाई मतलब अपने लिए तो इतना काफ़ी होगा, क्योंकि भाई अगर वैसे जितना ऊपर बनाऊंगा ना मैं उतने ही और शुगर केन आते जाएंगे, इसके डबल आते हैं शायद से अगर मैं 2-3 लेवल और कर दूंगा। लेकिन यार देखो अपने रॉकेट्स के लिए चाहिए अपने मेन, तो मतलब ज़्यादा पेपर नहीं चाहिए, बस हाँ चाहिए थे कि होने चाहिए, तो भाई इतने तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ही हो जाएंगे। तो अब बस हमारा ये फार्म बन के रेडी हो चुका है, अब बस मेरे को ये चेस्ट रूम का थोड़ा सा करना पड़ेगा। और यहाँ पे भाई ये देखो सारा का सारा भाई मेरे को ये जो है ऑब्जर्वर और पिस्टन मेरे को बना के लाने पड़े थे, और बाकी देखते हैं भाई अब थोड़ा सा बस मेरे को ये चेस्टों का देखना भाई क्या सीन है, इनका भी देखना पड़ेगा। यहाँ से मैं इनको 2 ब्लॉक नीचे तोड़ देता हूँ, और देखते हैं भाई यहाँ से एक सामने के रास्ते जो अपना आयरन फार्म है उस साइड को ले जाएंगे, ताकि वहाँ से एक एंट्रेंस हो जाएगी यहाँ से आने की। ओके तो सबसे पहले मेरे को देखना पड़ेगा भाई कि ये अपना आयरन फार्म है कहाँ पे। ओके तो अपना क्रीपर और आयरन फार्म उधर ही है, बट मैं सोच रहा था इसका फेस थोड़ा इस साइड करते, यहाँ से अपनी एंट्रेंस हो जाएगी। तो यहाँ के साइड अपने थोड़ा सा भाई ऊपर कहीं टूट ना जाए, ठीक है। ओके तो ये रहा अपना ये एंट्रेंस भाई, जो भी मान लो मतलब जैसा भी है, इसको मैं बाद में अगर फिक्स कर हो जाएगा तो ठीक है कर लूँगा। बाकी भाई कैसा लगा यार तुमको बताओ, मेरे को कमेंट में बताओ भाई कैसा लगा। और भाई अपने को तो अब ये भाई क्या ही तगड़ा लग रहा है यार, ये देख रहे हो फॉर्म दिखने में भी बिल्कुल ही अलग लग रहा है। और ये भाई 2 सेकंड भाई ये अलग ही है भाई, क्या है पता नहीं। ओके तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही भाई, ये फार्म अपने लिए बहुत आगे जाके काम आएगा भाई, दिखने में भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लिख रहा है और बहुत ही ज्यादा प्यारा और सुंदर भी दिख रहा है। वीडियो एंड करने से पहले अगर गाइस आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो साइड में जो बेल वाला नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि मेरे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप पे जल्दी आ जाए। तो ओके गाइस मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
समंदर के जैसे ढाती कहर, सोने सा चमके उसका बदन, छू दे तो अमृत बन जाए शहर, असली चेहरा उसे सब है पता, जाल है गहरा उसे कुछ न छुपा।